हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष धाकर। यदि आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एसएससी, बैंक, रेलवे और इसके साथ साथ अन्य जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है और इसमें सिमिलारिटी क्या क्या है, कौन कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, क्या फिर आप इन तीनों एग्जाम्स को एक साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, कौन से एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, इनका कट ऑफ कितना जाता है और किस तरीके से इनकी स्ट्रेटजी बनाए ताकि आप जल्दी से जल्दी इनमें सफलता प्राप्त कर सकें। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे, बने रहिए अंत तक यदि आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहले हम बैंक के बारे में जानेंगे, फिर हम एसएससी के बारे में, फिर हम रेलवे के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक पूरे इंडिया में फैली हुई है। इसके अलावा इंडियंस कुछ बैंक ऐसी भी हैं जो विदेशों में भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि बैंकों में वैकेंसीज किस तरीके से निकलती हैं, तो हर साल IBPS एक एग्जाम कंडक्ट कराता है और इन एग्जाम्स में RRBs के एग्जाम होते हैं और इसके अलावा नेशनलाइज बैंक के एग्जाम होते हैं। तो ये तो बात हुई IBPS की। इसके अलावा SBI जो है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, ये भी अपने एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराता है। जैसे SBI एसोसिएट्स जो होते हैं वो अलग, उनका अलग एग्जाम होता है प्योर क्लर्क का, और जो मैन SBI है इनके SBI के अलग अलग एग्जाम होते हैं प्योर क्लर्क के। तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले IBPS की। तो IBPS जो बैंक है वो दो तरह के यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया IBPS जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक PO का होता है और एक क्लर्क का एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहां पर जो PO है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म होता है। यहां पर इसका जो एग्जाम है उसमें प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का होता है, फिर देन इंटरव्यू होता है, फिर आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर हम यहां पर देखें कि इसके एग्जाम में कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो आते हैं, तो बात करें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर मैथ्स तो आना ही है, फिर इसके अलावा रीजनिंग भी आना है, ठीक है। फिर अगर हम तीसरे नंबर पे देखें तो इंग्लिश का वेटेज भी होता है, ठीक है। फिर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो है क्या, करंट अफेयर। फिर आगे अगर हम देखें करंट अफेयर के बाद तो कंप्यूटर। ये सेक्शन ऐसे हैं जो इसके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और हर एक एग्जाम में, चाहे RRBs आप दे रहे हो या फिर IBPS जो मैन PO क्लर्क होता है उसके एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पूछी जाती है, लेकिन RRB में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आती है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश प्रॉब्लम है तो वो RRBs की तैयारी कर सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होती है उनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं आती। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि प्रीलिम्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपका मेंस होगा, तो मेंस में यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर और कंप्यूटर, ठीक है, ये सेक्शन आपके मेंस में आते हैं। अब आगे देखें कि भाई यहां पर जो एक एग्जाम और होता है क्लर्क का, तो क्लर्क में आपका सिर्फ प्रीलिम्स होना है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आना है, और मेंस में यहां पर आपका सेम होता है, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर और कंप्यूटर, ठीक है, ये सेक्शन आपके मेंस में होते हैं। अब इसमें आपको यहां पर सोचना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि देखिएगा, यहां पर इन दोनों का जो मेंस है वो तो सब्जेक्ट तो सेम आ रहा है बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम देखें मैथ्स में, तो मैथ्स में इसमें आपका DI होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो अलग बहुत ज्यादा वेटेज होता है PO में। लेकिन क्लर्क में क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। और अगर हम देखें यहां पर बैंक आपसे चाहता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होना चाहिए, इसके साथ साथ बैंक चाहता है कि आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होना चाहिए। तो आपको दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो क्या, एक तो एक्यूरेसी हो गई और दूसरा स्पीड। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो आप बैंक में बहुत इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई बैंक के बारे में, अब हम देखें कि यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ होता है। अगर आप हर एक सेक्शन का कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं और देन जो ओवरऑल कट ऑफ होता है वो क्लियर कर जाते हैं, तब आपको यहाँ पर बैंक में जॉब मिलेगी। तो बहुत सारी हर साल वैकेंसीज निकलती हैं और मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो RRB में वैकेंसी निकलती है, RRB का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा जो मेन बैंक होती हैं जिसमें यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गई या फिर बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी जो बैंक्स होती हैं उनका उनका पूरा ओवरऑल जो पेपर होता है PO और क्लर्क का, उसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और कि अगर हम इसी में आगे बात करें तो बैंक, जितनी भी बैंक होती हैं वो सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती हैं। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और सभी बैंकों का बैंक है। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी IBPS जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, नेशनलाइज जो बैंक होती हैं उनके एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर,
यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी वैकेंसी अलग निकलती है, इसमें ऑफिशियल लेवल की वैकेंसी अलग निकलती है और इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी अलग निकलती है। अब हम बात करते हैं रेलवे के बारे में। तो रेलवे के बारे में आप जानते होंगे भारत का सबसे बड़ा सरकारी डिपार्टमेंट है रेलवे और यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं हर साल आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है वो बहुत डिले चलता है। एज कंपेरिजन अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के हर साल एग्जाम होते हैं बट रेलवे में ऐसा है और इसमें इतने जल्दी, जैसे कि यहां पर नवंबर में एग्जाम हुआ तो आप यह मान लीजिए कि अगले साल 3 से 4 महीने के अंदर यहां पर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आपको पूरा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। बट यहां पर कहानी यह है कि 2018 में अगर कोई वैकेंसी आई है तो आप यह मान लीजिए कि 2021 तक अभी तक इसका मेंस का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। तो यह थोड़ा डिले चलता है बट मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि रेलवे डिले यहां पर जॉब लगती है बट पूर्णता सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और बैंक भी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्षेत्र में आता है बट बैंक क्या होता है कि यहां पर बैंक का खुद का अपना परसेंट होता है, स्टेट का अपना परसेंट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें रेलवे की तो रेलवे में यहां 3 टाइप के जो एग्जाम है वो होते हैं, इसके अलावा और भी एग्जाम होते हैं बट मैं आपको ऐसे एग्जाम्स बता रहा हूं जिसमें एलिजिबिलिटी एक समान है और लगभग लगभग सभी इनके एग्जाम दे देते हैं। जैसे अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है इसमें प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, इसके अलावा एक आई टेस्ट होता है और साथ के साथ साइको टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहां प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीके के अंदर साइंस आती है, तो 3 सेक्शन यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर इंग्लिश नहीं आती, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप रेलवे को चुनिए क्योंकि यहां पर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है वो क्या है, आपका मैथ्स है और दूसरा रीजनिंग। जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छा स्कोर यहां पर कर सकते हैं। और साथ के साथ बात करें जीके की तो जीके में यहां पर साइंस आती है, यहाँ पर साइंस आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए और साथ साथ जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जितना भी आपका जीके का जो वेटेज होता है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर अगर हम बात करें ग्रुप डी की तो ग्रुप डी में भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर आपका एक एग्जाम होगा जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस ये सारी चीज़ें आएंगी और साथ के साथ आपको बता देते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये जो जॉब है इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी एक साथ आती है, जैसे इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 1 लाख वैकेंसी आई है और उससे पहले भी लगभग लगभग 70-75 हज़ार वैकेंसी थी, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। अभी एनटीपीसी में जो वैकेंसी है वो 30 हज़ार वैकेंसी आई हुई है, तो वैकेंसी एक साथ आती है इकट्ठा बट थोड़ा सा डिले चलता है इसका सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एएलपी का तो एएलपी में जो क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर या तो आईटीआई होना चाहिए या फिर आप बीई, बीटेक वगैरह आपने किया हो तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहां पर भी इसका एक एग्जाम होगा, मैथ्स, रीजनिंग और इसके अलावा साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा होता है यहां पर। तो आप ध्यान रखिए अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ टेक्निकल डिग्री होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर हम बात करें इसमें दूसरा जो एग्जाम होता है वो साइको या फिर आई टेस्ट होता है। तो ये पूरा आपका रेलवे का सेक्शन हो गया और रेलवे का अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मैं आपको परफेक्ट स्ट्रेटजी बता देता हूं, आप मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस करिए जितना हो सके। यहां पर देखिए यहां पर कुछ ऐसी चीज है कि एसएससी और बैंक को अगर हम देखें तो इनमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें स्पीड चाहिए बैंक में और साथ के साथ एक्यूरेसी चाहिए और एसएससी में पूरा नॉलेज चाहिए हर एक सेक्शन का, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का। लेकिन रेलवे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब रेल अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंक में जो कुछ टॉपिक होते हैं वो रेलवे में आते हैं और कुछ एसएससी के टॉपिक रेलवे में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है, अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप रेलवे के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए फिर आप रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप यहां पर रेलवे को रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि बैंक के जैसे अर्थमैटिक जो आती है वो यहां पर वेटेज अच्छा होता है अर्थमैटिक का। इसके अलावा अगर हम बैंक में देखें करंट अफेयर आता तो इसमें भी करंट अफेयर आता, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर आपको स्पीड और एक्यूरेसी और साथ के साथ थोड़ा बहुत आपको नॉलेज पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की तो कट ऑफ इसका क्या है कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, जैसे अगर आपकी मैथ्स में और अगर पूरा 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो यहां पर अगर हम देखें तो मैथ्स यहां पर आपकी 35 मार्क्स की हो गई और यहां पर रीजनिंग
रीजनिंग आपकी 35 मार्क्स की हो गई, और इसके अलावा जो जीके सेक्शन है वो मान लीजिए ओवरऑल यहाँ पर आपका 30 मार्क्स का हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 100। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि कई बार मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक डेढ़ महीने रेगुलर आपका पेपर होता है, तो जिसमें हर एक शिफ्ट जो होती है उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होती है, रीजनिंग भी कम ज़्यादा हो जाती है, कई बार साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, कई बार करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बट अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैथ्स रीजनिंग जो है वो ओवरऑल पूरा टोटल 60 मार्क्स की आई है और 40 मार्क्स का पूरा जीके पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, अगर आपके मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं और 70% और 75% आप ले आते हैं, तो लगभग इतने में आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। और मेंस की भी हम बात करें तो आप इतना मान लीजिए 77% से 80% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो इजीली आप यहां पर इसके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी में जो एग्जाम होती हैं वो यहां पर देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट कराता है, पर मैं यहां पर ऐसे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं जो जनरली आप दे सकते हैं इजीली, मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर हम सीजीएल की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप सीजीएल दे सकते हैं। सीएचएसएल में आप 12th पास हो तब आप इसके एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर ग्रेजुएशन चाहिए और यहाँ पर 12th पास चाहिए, यहाँ पर ये 10th पास में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। CPU भी आपको यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और किसी भी स्ट्रीम से आप यहाँ पर ग्रेजुएशन हो, 12th हो, 10th हो, ग्रेजुएट हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें CGL की, तो CGL में CGL का जो सेक्शन है यहाँ पर, या फिर CHSL, MTS और CPO, इन चारों के चारों एग्जाम्स में आपकी जो यहाँ पर जो सेक्शन आने वाले हैं वो है मैथ्स, रीजनिंग, इसके अलावा इंग्लिश, और साथ के साथ क्या हो जाएगा आपका जीके। तो चार सेक्शन आपके यहां पर रहेंगे और टोटल यहां पर 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। प्रीलिम्स इसमें भी होना है, इसमें भी होना है, और एमटीएस में प्रीलिम्स होता है बट डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेंस में होता है। फिर अगर हम बात करें सीपीओ की, तो सीपीओ में आपका प्रीलिम्स होगा और फिर देन इसमें मेंस होगा, और साथ के साथ इसमें फिजिकल भी होता है, फिजिकल मतलब रनिंग मांगते हैं। तो यहां पर अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी मैथ्स और रीजनिंग पर बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए, और खासकर मैथ्स में अगर हम बात करें तो एडवांस मैथ्स में क्या, जैसे आपका ज्योमेट्री हुआ, इसके अलावा आपका ट्रिग्नोमेट्री हुआ, एलजेब्रा हुआ, ये सेक्शन आपका जबरदस्त होना चाहिए, एडवांस मैथमेटिक्स, तब आप एसएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में जो डिपार्टमेंट होते हैं बहुत बढ़िया, जैसे आईबी, सीबीआई और सेंट्रल के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब प्रोवाइड करते हैं, वो सब आपका यहां पर सीजीएल के अंतर्गत होगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो या अदर कोई सा एग्जाम हो, ठीक है। तो आपको यहां पर यदि सेंट्रल का कोई भी डिपार्टमेंट चाहिए तो उसके लिए आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए, तो आपको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा डिपार्टमेंट मिलेगा जो कि बहुत बढ़िया सेंट्रल के डिपार्टमेंट्स होते हैं। फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और सीपीओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनके फुल फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर एसएससी की जॉब की हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन सेक्शन पर अगर आप अच्छी कमांड बनाते हैं तो आप इजीली यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों में समानताएँ क्या हैं और इनके अलावा इनमें डिफरेंस क्या, तो ध्यान से समझिए। अगर हम बैंक की बात करें तो यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी यहां पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है तो यहां पर आप बहुत जल्दी सिलेक्शन ले पाएंगे। रेलवे की हम बात करें तो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपका कुछ सेक्शन रेलवे में मैच करेगा, यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपका कुछ सेक्शन यहां पर मैच करेगा। लेकिन एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग लाइन है, और यहां पर बैंक की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी के एग्जाम ना दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि
आज के टाइम में जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी पर्टिकुलर एक सिलेबस पर फोकस करें तब आप जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी देखिए, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप बैंक को चुनें, आप यहाँ पर बैंक की प्रिपरेशन करें। और रेलवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपकी एनसीईआरटी बुक्स पर अच्छी कमांड है, आपको नॉलेज अच्छा है, अर्थमेटिक अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, और देन अगर हम इसी में साथ में देखें तो यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर रेलवे को चुन सकते हैं। और फिर हम देखें एसएससी के बारे में, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, कोई सा भी मैथमेटिक्स का टॉपिक और इंग्लिश का टॉपिक आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, तो आप यहाँ पर समझिए कि एसएससी में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बट यहाँ पर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होना चाहिए। जैसे अगर हम सीजीएल की बात करें तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही आती है, प्रीलिम्स में आपको जीके देना है, जीके आता है यहाँ पर, रीजनिंग, और ये दो सेक्शन बढ़ जाते हैं प्रीलिम्स में, बट मेंस में तो यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश ही आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैथ्स और इंग्लिश बहुत जबरदस्त होना चाहिए तभी आप एसएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि यहां पर इन तीनों में डिफरेंस क्या है और समानता क्या है, ताकि वो भटके नहीं, उनको बहुत जल्दी सफलता मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आगे भी अगर आप इन पे वीडियो चाहते हैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।